हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। कल जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में राइट रॉन्ग करके दे सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हाँ, ये डेसिमल है, ये बाइनरी है, ये हेक्साडेसिमल है, ये ऑक्टा है, कब सही होता है कब गलत होता है, आपको बेस को देखते हुए राइट और रॉन्ग बताना है। आप ये भी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व करके फिर व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं, या फिर आप इसी को कमेंट बॉक्स में 1 right 2 wrong 3 right 4 wrong ऐसे करके आप भेज सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको सॉल्व करके आंसर भेज दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम, मींस जो हम लोग नंबर सिस्टम कल पढ़े थे बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टा, उसमें कन्वर्जन मींस वन नंबर सिस्टम टू दूसरे नंबर, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे जाएंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कन्वर्जन। तो सबसे पहला कन्वर्जन जो है हम लोग देखने जा रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल का बेस कितना 10 और बाइनरी का बेस 2। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लिया जाए मैं यहां पे डेसिमल देता हूं 0, तो 0 डेसिमल में पॉसिबल है, बाइनरी इसका पॉसिबल है 0। अगर मैं लिखता हूं यहां पे 1, इसका बाइनरी 1। बट अगर मैं यहां पे 2 देता हूं तो इसका बाइनरी अगर 2 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो हम लोग यहां से अब 2 से आगे देखेंगे कि कैसे किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए काफी सिंपल रूल है। जो हमारा नंबर है बेसिकली डेसिमल नंबर, अगर हम इसे देखें तो डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय बेस, ये हमारा फॉर्मेट है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि ये सारे नंबर सिस्टम मींस अगर किसी भी डेसिमल को किसी और नंबर सिस्टम में बदलना होगा तो जो उसका बेस होगा उससे हम लोग फैक्टराइज करके आंसर निकाल सकते हैं, यही इसका रूल है। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरा डेसिमल नंबर कितना है 2 है और हमको बदलना किसमें है बाइनरी, तो यहां पे ध्यान से देखें बाइनरी का बेस 2। अब यहां फैक्टराइज करेंगे, 2 जब डिवाइड करेंगे कितने बार में होगा 1 टाइम, इधर इसका भागफल और ये इसका शेषफल, तो रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो यहां पे आंसर क्या आता है 1 और 0, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 2 को हम क्या लिखेंगे 1 0। वैसे ही अगर 3 है डेसिमल नंबर 3, 2 से प्री हो जाएगा क्या आपका 1 टाइम और इसका रिमाइंडर 1, ये क्या हो गया आपका 1 1, तो 3 का हो जाता है 1 1। अब यहां पे देखते हैं हम लोग और भी कुछ सॉल्व करके देखते हैं। जहां पे भी आपको समझ में ना आए थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा या स्लो कर लीजिएगा, आप देख सकते हो उसको। 4 का वैसे ही क्या हो जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना हो गया 2 टाइम्स रिमाइंडर 0। फिर क्या हो गया 1 0 0। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब तक हम लोग क्या होता है कभी भी अगर 2 से डिवाइड देंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होना, ये जब तक वो नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक हम उसको डिवाइड देते जाएंगे, लास्ट में यहाँ पे 1 आना चाहिए तभी तक हम लोग चलते जाएंगे। वैसे ही मान लिया जाए 16 है, 16 का क्या हो जाएगा, 16 जो डिवाइड देंगे 2, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 4 times 0। मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा बट ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें गलत होने का चांसेस सबसे कम है। तो ये हमारा क्या है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। वैसे ही मान लिया जाए आपको क्या करना है, अब मैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, डेसिमल टू बाइनरी आप उसको सॉल्व कीजिएगा और रिजल्ट आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे या कमेंट करके ये यूट्यूब पे ही डाल सकते हैं। आपका क्वेश्चन है
ये सारे हैं आपके डेसिमल टू बाइनरी के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट में इसका आंसर भेज सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या था, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब यहीं पे मान लिया जाए ये क्या होता है, ऑक्टा होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, हमारा फॉर्मूला क्या था, डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय या फैक्टराइज बाय बेस। अब मेरा बेस किससे बदल गया, 8 से, तो अब मान लिया जाए मेरा यही 16 है। ध्यान से देखिए, हम लोग 1 को 0 को 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, बट मान लिया जाए 8 आता है या 16 आता है, जैसे मान कर चलिए 16 आता है, तो 16 डेसिमल नंबर डिवाइड बेस से 8, दो बार में रिमाइंडर 0, ये इसका क्या हो गया 16 का ऑक्टा हो जाएगा आपका 2 और 0। वैसे ही अगर मान लिया जाए 20 है, तो 20 में कुछ नहीं करना है, यहां पे टू और फोर। ध्यान से देखिए, यहां पे टू भी पॉसिबल है और फोर भी पॉसिबल है, इसलिए आपका क्या हो गया टू और फोर, काफी सिंपल है। वैसे ही आपका ये भी टास्क होगा कि इन्हीं नंबर्स को अब आपको क्या करना है, फिर ऑक्टा में भी कन्वर्ट करके देना है, भेजना है। पहले आप इसको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा, फिर डेसिमल को इसी क्वेश्चंस को आप ऑक्टा में कन्वर्ट कीजिएगा, काफी इजी रहेगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां पे हेक्साडेसिमल में अगर बदलना है तो हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा 16, ये भी काफी इजी है, बेस से बदलना है, यहां पे हो गया बेस 16, अब ये क्या हो जाएगा 1 टाइम रिमाइंडर 4, 16 और 4 20, तो इसका क्या हो गया 20 का हो जाएगा 1 और 4। हेक्साडेसिमल हमेशा ध्यान रखिएगा पैटर्न नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये इसीलिए ये ऐसा तरीका था जिससे कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी कोई भी नंबर दूसरे नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, काफी आसान है, ठीक है, काफी आसानी तरीके से हम लोग किसी में भी किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आपका ये टास्क है कि इसी क्वेश्चंस को आप क्या कीजिएगा, पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा, फिर ऑक्टा में, और फिर हेक्साडेसिमल मींस बेस 2 बेस 8 एंड बेस 16। इस तरीके से आपको इसी नंबर सिस्टम को, इस सारे नंबर सिस्टम को मींस बेसिकली ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको बाकी तीनों में कन्वर्ट करना है, तो काफी आसान रहेगा, इसी तरीके से हो जाएगा। अभी ये लॉन्ग कट है, ये थोड़ा लॉन्ग तरीका है, मैं इसका शॉर्टकट तरीका ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग काफी कम टाइम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली इस नंबर सिस्टम में लगभग जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, जनरल कंपटीशन के एग्जाम है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एनडीए हो या कोई भी दूसरा कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग क्या करेंगे, बाकी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। थैंक यू।